गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग श्रेष्ठ, गुड मॉर्निंग ऋतिका, गुड मॉर्निंग सरिता, गुड मॉर्निंग रीम, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अक्षता. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. थैंक यू सो मच श्रेष्ठ, थैंक यू रीम, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो मच एवरी वन. नाउ वी हैव 17K सब्सक्राइबर्स ऑन द चैनल. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल. गुड मॉर्निंग सूर्यांश, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डे बिफोर येस्टरडे हम लोग जब कंटिन्यू कर रहे थे, गुड मॉर्निंग निलेश, गुड मॉर्निंग विनीत, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट GK. ठीक है, तो वहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे. गुड मॉर्निंग सरिता, सॉरी इट्स अदिति. गुड मॉर्निंग अदिति. गुड मॉर्निंग सुमन. ओके वीरे, टुडे द क्लास वॉज एट 10:40. गुड मॉर्निंग दिव्यांश. गुड मॉर्निंग ऋतिका. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन. And before getting started, one thing, yes, Rishi, that's what I'm going to say. Most of you, jitne bhi students RMS ke liye prepare kar rahe hain, aap sabhi ka kal RMS ka paper hai. So as you can see, a lot of you are saying ki nervous ho rahe hain. So nervous nahi hona hai, theek hai? Yes, kal exam hai, Suman. Nervous nahi hona hai. Aap logon ne prepare kiya hai. You have studied really well. You have prepared really well. तो अब नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, तो आपको नर्वस नहीं होना है, बहुत अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस से जस्ट गिव योर पेपर. ओके, जस्ट अपीयर फॉर द एग्जाम एंड डोंट बी नर्वस. ओके, यू कैन डू इट, यू हैव वर्कड योर हार्ड, यू हैव स्टडीड 100%. तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम देना है. ओके ओके दिव्यांश. ओके गुड मॉर्निंग सूर्या. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली विदाउट एनी फर्दर डिले. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर स्टार्टिंग एवरीवन, दोज ऑफ यू हु आर कनेक्टिंग फॉर द सेशन विद द फर्स्ट टाइम, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. और सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो लाइक द सेशन इफ यू फाइंड द सेशन यूजफुल. मैथ्स क्वेश्चन नहीं सुन, आज हमारे पास GK के क्वेश्चन हैं. ओके, यस, आधार नहीं, क्वेश्चन की भी टेंशन नहीं लेनी है. क्यों लेनी है? पढ़ा हुआ है, पढ़े हुए से ही आएगा. सिलेबस हमने किया है, सिलेबस से ही आएगा. ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है. चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS. ठीक है, सो आई विल प्ले योर चार्ट्स एज वेल. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS. फुल फॉर्म से एसोसिएटेड क्वेश्चन जो है, दे हैव वेरी हैबिट ऑफ आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द RMS एग्जाम. तो आप याद रखोगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS. फुल फॉर्म ऑफ GPS एवरीवन आप याद रखेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GPS. GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. हमारे डिवाइसेज में, मोबाइल फोन्स में, वॉचेज में नाउ डेज GPS इज देयर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GPS. करेक्ट श्रेष्ठ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ओके, GPS इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड क्यूबा. क्यूबा किसने डिस्कवर किया था? विच फेमस एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड क्यूबा. सो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज क्रिस्टोफर कोलंबस. क्यूबा किसने डिस्कवर किया था? क्यूबा वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस. इन्होंने क्यूबा की खोज की थी. थैंक यू सो मच आधार, थैंक्स अ लॉट. ओके, सो क्रिस्टोफर कोलंबस. क्यूबा के लिए अगर क्वेश्चन आता है, सी कीप इन माइंड क्रिस्टोफर कोलंबस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? ओके, लाइक बोन्स है हमारी बॉडी में, बोन्स आर वेरी हार्डेस्ट, देन लॉट ऑफ थिंग्स. बट जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है दैट इज टूथ एनेमल. ओके, वॉट इज दैट? दैट इज टूथ एनेमल. अब टूथ एनेमल क्या होता है? सो एज यू कैन सी आई एम स्पीकिंग, किसी के भी आप टीथ देखोगे सो देयर व्हाइट कलर, टीथ्स आर इन व्हाइट कलर. ओके, तो जो व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, अपर आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है टीथ का, that is called as enamel. Okay, we call that as enamel. So जो tooth enamel होता है, that is the hardest structure in the human body. So oftentimes students confuse between bones. तो bones answer नहीं होगा. अगर option आते हैं, bone will be there. Bone answer नहीं होगा. Right answer will be tooth enamel. तो आप याद रखोगे, tooth enamel is the hardest substance of the human body. Okay. Next after this, yes, it is a coating on our teeth. Correct. Next is where are the headquarters of UNESCO? हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को. यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज द क्वेश्चन. सो राइट आंसर यू विल कीप इन माइंड, पेरिस, फ्रांस. ओके, वेर आर हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को आर लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस. हेडक्वार्टर्स से एसोसिएटेड क्वेश्चन अगर आता है, यूनाइटेड नेशंस इज डिफरेंट, UNO. ओके, यूनाइटेड नेशंस, कन्फ्यूज नहीं होना, UNO. द हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क. ओके, एंड इफ इट कम्स अबाउट यूनेस्को, द हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस, फ्रांस. गुड मॉर्निंग टारगेट लर्निंग अकुल. नेक्स्ट इज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ्स ट्विन. विच प्लैनेट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अर्थ्स ट्विन. सो यू विल कीप इन माइंड वीनस. ओके, वी कॉल्ड वीनस एज द अर्थ्स ट्विन. ठीक है,
मर्करी वीनस, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम मर्करी सेकेंड प्लैनेट एंड वी कॉल इट एज अर्थ ट्विन. हम क्या कहते हैं वीनस को, वी कॉल वीनस एज अर्थ ट्विन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर. यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है, देर आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ए प्लस, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव. प्राइमरीली हमारे पास ये फोर ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी, ए बी एंड ओ. फर्दर दे कैन बी ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी ओ नेगेटिव. सो इन अमंग ऑल दीज ब्लड ग्रुप्स विच ब्लड ग्रुप इज कॉल यूनिवर्सल डोनर. यूनिवर्सल डोनर का मीनिंग क्या होता है, दैट ब्लड ग्रुप विच कैन डोनेट ब्लड टू एनी अदर ब्लड ग्रुप. ठीक है, जनरली इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए ब्लड ग्रुप कैन ऑलवेज डोनेट अ ब्लड टू ए ब्लड ग्रुप, बी कैन ऑलवेज डोनेट अ ब्लड टू बी ब्लड ग्रुप, बट ओ ब्लड ग्रुप इज वेरी स्पेशल. हाउ इज ओ ब्लड ग्रुप स्पेशल? ओ ब्लड ग्रुप इज स्पेशल बिकॉज ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर. दैट मीन्स किसी भी अनदर ब्लड ग्रुप को, ए को, ए बी को, बी को, किसी के वो ये ब्लड डोनेट कर सकता है. सो राइट आंसर इज ओ पॉजिटिव. ओके, यूनिवर्सल डोनर वी हैव इज ए पॉजिटिव. हेलो नवीन, हेलो अकुल, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट इज विच इज अ फ्लाइंग मैमल. ओके, विच इज अ फ्लाइंग मैमल, सो यू विल कीप इन माइंड बैट. ओके, विच इज अ फ्लाइंग मैमल, बैट इज अ फ्लाइंग मैमल, बैट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल दैट वी हैव. ओके, एंड वॉट अ लिविंग मैमल ऑल्सो वी डिस्कस. सो बैट आप याद रखोगे, द ओनली फ्लाइंग मैमल दैट वी हैव इज बैट. बैट इज द फ्लाइंग मैमल. ओके, विच एनिमल हैज फिंगरप्रिंट्स सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन्स. ओके, इन विच एनिमल फिंगरप्रिंट्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन्स. सो इन कोआला. ओके, कीप इन माइंड इन कोआला द फिंगरप्रिंट्स, लाइक जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इफ यू लुक एट थंब प्रिंट्स लाइक सर्कल सर्कल दे आर. ओके, सो आप थंब प्रिंट्स देखोगे, सो थंब प्रिंट ऑफ कोआला आर वेरी मच प्रिटी मच सिमिलर टू द ह्यूमन्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज वॉट इज द कलर ऑफ पोलर बियर स्किन. सो पोलर बियर जनरली लिव इन द कोल्डर रीजन. सो पोलर बियर को आप देखोगे, सो पोलर बियर इज वाइट इन कलर. ओके, पोलर बियर इज वाइट इन कलर. ठीक है, बट द वाइट इज नॉट द कलर ऑफ स्किन, वाइट आर द फर्स. ओके, कलर ऑफ स्किन इज ब्लैक. वॉट इज द कलर ऑफ स्किन? द कलर ऑफ स्किन इज ब्लैक. ओके, सो स्किन ऑफ पोलर बियर इज ब्लैक इन कलर. ओके, हैलो अभुदय, गुड मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज. ओके, क्वेश्चन इज 560 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज. द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज वॉज मैरी क्यूरी. ओके, मैरी क्यूरी के लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है दैट हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम. तो आप याद रखोगे, मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम. ओके, एंड इन एडिशन टू रेडियम, रेडियो एक्टिविटी. ओके, you will keep in mind radioactivity pe Marie Curie ka work tha. So Marie Curie was the first woman to be awarded with the Nobel Prize. Okay, this you will keep in mind, Marie Curie for the discovery of radium in the year of 1903 she was awarded with the Nobel Prize. Yes, it is useful for scenic school also, the branch. Okay, next is which is the warmest sea on earth. Okay, next question is which is the warmest sea on the earth. So yahan pe answer diya red sea, Reed Sea, sorry. Is Reed Sea correct? Provide your own answer. Don't just copy them. Provide your own answer. Everyone is saying Reed Sea. So it is not Reed, it is red, okay? Yes, it's red. There is a spelling error, okay? So don't just copy the answers. Carefully unko observe kijiye. Okay? The right answer is Red Sea, not Dead Sea. Dead Sea is the saltiest sea, okay? Red Sea. Okay, warmest sea in the earth is Red Sea. Okay, next is the fastest snake in the world. Which is the fastest snake in the world? So right answer for the question is Black Mamba, the fastest snake in the world. Okay, the snake that moves with a very high speed in the world is Black Mamba. This question is important from a science background. Largest organ in the human body. Which is the largest organ in the human body? So you should keep in mind, skin, which is the largest organ in the human body? Skin is the largest organ in the human body. ठीक है, entire human body में which is the largest organ? The largest organ in the human body is skin. तो आप क्या याद रखोगे, skin is the largest organ in the human body. Okay, next is which is the largest lake in Japan?
लार्जेस्ट लेक इन जापान आप याद रखोगे बीवा, BIWA, बीवा लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन जापान. ओके अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसिडरिंग फीफा वर्ल्ड कप्स आर गोइंग ऑन, विच कंट्री डज फुटबॉलर, फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू? टू विच कंट्री लियोनेल मेसी बिलोंग्स? अर्जेंटीना. ओके टू विच कंट्री लियोनेल मेसी बिलोंग्स? लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू अर्जेंटीना. ओके यस दैट ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिव्यांश, डोंट वरी. फॉर RMS सेंटर आई शेयर, सैनिक स्कूल के लिए अभी टाइम है तो सैनिक स्कूल का ड्रेस मत लो. ओके द राइट आंसर वी हैव इज अर्जेंटीना. टू विच कंट्री फेमस फुटबॉलर बिलोंग? सो अर्जेंटीना. ओके नेक्स्ट इज वॉट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब इमायरेट्स, UAE? What is the capital of United Arab Emirates, UAE? Abu Dhabi, correct, okay? What is the capital of United Arab Emirates? Abu Dhabi, okay? Very good. Okay, so Abu Dhabi you will keep in mind. What happened? Yes. Okay, next question after this is, golfer Vijay Singh belongs to which country? Okay, next question is golfer Vijay Singh belongs to which country? Fiji. Okay, good. Golfer Vijay Singh belongs to which country? Golfer Vijay Singh belongs to Fiji. Next is which blood cells do not have a nucleus? ये तो गलत दिया है आंसर इसमें. This is not the answer. Mistake है यहाँ पे. No, not blood platelets, Shristi. No. Which blood cells do not have a nucleus? No, not blood platelets. Blood platelets is incorrectly mentioned. It. Provide your own answers. Blood cells that are devoid of. Hello, Kalyani. Okay. No, beta. White blood cells में होता है, ठीक है? White blood cells में तो nucleus होता है, ठीक है? आपको क्या याद रखना है? RBC, ठीक है? Okay. आरबीसी करेक्ट दिव्यांश. ओके आरबीसी, आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ओके रेड ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड सेल, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है इन द ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. ओके सो आप याद रखोगे आरबीसी. नो आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस. तो रेड कलर जो होता है ब्लड का दैट इज ड्यू टू आरबीसी. ओके दैट इज ड्यू टू आरबीसी. सो रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस और यू कैन से इन रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ओके सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके आरबीसी. ओके सो रेड कलर ऑफ द ब्लड दैट यू सी दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी. ओके एरिथ्रोसाइट्स, यस वी कॉल इट एज एरिथ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स ऑफ आरबीसी. रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? वन थिंग टू कीप इन माइंड इज हीमोग्लोबिन. सो रेड कलर ऑफ ब्लड दैट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ओके दैट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ओके नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड रिनाउंड नॉवल गॉडफादर? हु ऑथर्ड रिनाउंड नॉवल गॉडफादर? यस इट इज अलाउड. मारियो प्यूजो. ओके रैम इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर रैम इज लोकेटेड? सो रैम, रैम इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो वेयर इज रैम प्रेजेंट? RAM in a computer is present in motherboard. ठीक है motherboard पे RAM is present. So RAM के लिए full form already एक बार आ चुका है. You will keep in mind random access memory. Akul, akul. You are spamming again like yesterday. Okay. I'm going to share with you what are the things you can carry with yourself. Okay. Next is what was the court language used by Mughals? Okay. The court language that was used by Mughals was Persian. ठीक है They used to use the Persian language. Next question is Orange Prize is related to which field? The very renowned Orange Prize. Okay. Orange Prize is related to which field? Good. Everyone is answering the answer here.
ऑरेंज फ्लाइज इज रिलेटेड टू फिक्शन. ओके, ऑरेंज प्राइज जो है हमारा, इट इज़ रिलेटेड टू फिक्शन. ओके, एंड जनरली किस फील्ड में दिया जाता है? इट इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, मेनली फॉर फिक्शंस. ओके, फॉर फिक्शन बुक. गुड मॉर्निंग फैक्ट्स एंड स्टार्स. ओके, सो राइट आंसर इज लिटरेचर. When did World War II started? World War II कब स्टार्ट हुई थी? So World War II started, everyone, we will keep in mind, in the year of 1939. When did World War II started? World War II started in the year of 1939. Yet again an important question. Vienna is the capital of which country? Austria. Very good, Daxley. Good morning. Vienna is the capital of which country? Austria. Very good. Okay. Yes, the right answer is Austria. Vienna is the capital of which country? Vienna is the capital of Austria. Okay, Vienna is the capital of Austria. After this is, who discovered protons? Rutherford. Okay, so in the higher classes you will study, like electrons, we have protons as well in an atom. So you will keep in mind that they were discovered by Rutherford. Okay, Rutherford. Next class kab hogi? Sarita. Okay, for next class, अब देखो आपका कल तो हमारा पेपर सॉल्यूशन होगा फॉर आरएमएस पेपर. नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी 9 o'clock पे होगी ऑन मंडे. दैट विल बी टारगेटेड टुवर्ड्स द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम. ठीक है, ओके. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम? सो प्लांट्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. फ्लोएम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, वी कैन से, फूड मटेरियल. एंड जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ओके, जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. तो राइट आंसर क्या होगा? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज, व्हाट डज बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन? ओके, बिग बैंग थ्योरी, व्हाट डज बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन? बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ओरिजिन, यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ था? दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द बिग बैंग थ्योरी. सो बिग बैंग थ्योरी विल कीप इन माइंड किससे एसोसिएटेड है? Associated with origin of universe. Who is the author of Origin of Species? A very important book. हमने क्लासेस में भी स्टडी किया है. Who is the author of Origin of Species? Charles Darwin. Very good. Okay. Origin of Species. Who is the author of Origin of Species? Author of Origin of Species is Charles Darwin. ठीक है. Who is the author of Origin of Species? The author of Origin of Species is Charles Darwin. Good. Charles Darwin is the right answer here. Next question we have is, everyone, what kind of mosquito carries malaria? Next question is, what kind of mosquito carries malaria? Anopheles mosquito, right? Okay, so Anopheles mosquito is responsible. Malaria kisse cause hota hai? This thing you will keep in mind, that malaria is a protozoan disease. Okay, what kind of disease is malaria? Malaria is a protozoan disease. Okay, it is caused by a protozoa. Okay, what is the name of that microorganism or the protozoa that causes this? That is Plasmodium. Okay, that is Plasmodium. Okay, Plasmodium is a protozoa that causes malaria. And the mosquito responsible is Anopheles mosquito. ओके, एनाफिलीज मॉस्किटो, उसमें भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन? द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. एंड मलेरिया अगर आता है, सो यू विल कीप इन माइंड इट इज अ प्रोटोजोन डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्मॉलेस्ट ओशन. गुड मॉर्निंग आशी, गुड मॉर्निंग पलिन. व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ओशन? आर्कटिक ओशन, करेक्ट. ठीक है, वॉट इज द स्मॉलेस्ट ओशन? आर्कटिक ओशन. नेक्स्ट क्लास इज टुमारो सरिता, वेयर वी विल बी सॉल्विंग द आरएमएस पेपर. आफ्टर दिस, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे? व्हेन डू वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे? 15th of March, करेक्ट. ओके, 15th of March. वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑन 15th of March. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, What is the light year? हम जनरली कहते हैं, we talk about light year. So what is the meaning of light year? तो आप याद रखोगे, light year is a unit to measure the distance. Okay? So it is basically a unit to measure the distance. कितने, और distance भी हम किसका measure करते हैं? Light का. ठीक है? For light that we talk. Light year. Which is the sacred book of Buddhist? For Buddhist, the sacred book is
त्रिपिटकास, ओके, विच इज द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट. सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट इज त्रिपिटकास. ओके, करेक्ट विनीत. ओके, व्हाट आर यू आस्किंग? गुड मॉर्निंग खुशी. नेक्स्ट इज कैटरिक. इज अ डिजीज एसोसिएटेड विद, सो कैटरिक यू विल कीप इन माइंड, इट इज अ डिजीज एसोसिएटेड विद व्हाट? कैटरिक इज अ डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद आईज. व्हाट इज कैटरैक्ट एसोसिएटेड विद? कैटरैक्ट इज अ डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद आईज. ओके, किससे एसोसिएटेड है कैटरैक्ट? आईज से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई आर एक्चुअली द स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. एसआई किसके लिए स्टैंड करता है? एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. सो एसआई यूनिट्स बेसिकली आर सेम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, एसआई यूनिट्स आर सेम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वी हैव इज न्यूटन. ओके, गुड मॉर्निंग मुस्तफा, गुड मॉर्निंग नरसिम्हा, गुड मॉर्निंग लेखनी. न्यूटन, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. टेम्परेचर के लिए अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर के लिए द एसआई यूनिट इज केल्विन. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? द एसआई यूनिट दैट वी हैव फॉर टेम्परेचर इज केल्विन. सो यू विल कीप इन माइंड केल्विन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? इट्स ओके उस्ताद. Very good. Okay, Dr. APJ Abdul Kalam, a former President of India. Dr. APJ Abdul Kalam is the author of the book Wings of Fire. Next is, who is the father of economics? Father of economics, हम किसको कहते हैं? Economics is अर्थशास्त्र. Father of economics. Okay, Adam Smith. Yes. Okay, Adam Smith. Adam Smith is a Scottish economist, and इनको हम consider करते हैं as a father of economics. Next question we have is, what is the common name of sodium carbonate? What is the common name of sodium carbonate? Okay, everyone is answering. What is the common name of sodium carbonate? Everyone provide your answer. Washing soda. Okay. Good. Sodium carbonate. Good. Okay, washing soda. Next question after this we have is, what is phycology? Okay, next question we have is, what is phycology? So phycology, yes, study of algae. Okay, study of algae. Algae की study को हम क्या कहते हैं? Phycology. Algae मतलब काई भी आप कई बार कहते हो. Study of algae is called as phycology. Next question is, which is the ancient country to orbit Mars? Next we have is, which is the afforestation country to orbit Mars? India. Okay, or India is the first ancient country to orbit Mars. Good. Next is, which country is the largest producer of coffee? Largest producer of coffee. Country ke bare mein agar hum baat kar rahe hain, that means we are talking about world. Okay, on world level the largest producer of coffee is Brazil. And in India, which is the largest producer of coffee? In India, provide your answers. In India, which state is the largest producer of coffee? Karnataka. Very good, Shreshth. Okay, if we talk about India, Karnataka is the largest producer of coffee. Okay, Karnataka is the largest producer of coffee. Next we have is the terms bulls and bear. Bulls and bear term is associated with, it is associated with stock market. Okay, bulls and bear. Okay, bulls and bear term is associated with what? It is associated with stock market. Okay, stock market se bulls and bears term jo hai associated hai. At the end I'll let you know. Okay, Aditya. Next we have is, what are the colors of rings of Olympic flag? Olympic flag mein jo rings hai, what are the colors of those rings? So aap yaad rakhoge, there's a black, red, blue, green and yellow color. Okay, what are the colors? Black, red, blue, green and yellow. Yes, correct. Okay, black, red, blue, green and yellow. Next is, who invented the lift, the elevators? Who invented the lifts or elevators? So we will keep in mind Alisha Graves Otis. Okay, Alisha Graves Otis discovered the lift or inventors. Okay, after this we have, which river crosses the equator twice? Which river crosses the equator twice?
कॉन्गो रिवर. यस, कॉन्गो रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस. नेक्स्ट इज विच इज द डिवाइस यूज टू लोकेट सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स अंडर द सी. सो दिस इज एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिस्कवर और लोकेट द सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स अंडर द सी. लाइक अगर आपकी सबमरीन ट्रैवल कर रहे हैं सो सबमरीन हैज दिस, दैट्स कॉल्ड अ सोनार. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सोनार. सो सोनार इज एक्चुअली यू कैन से अ टेक्नोलॉजी ऑल्सो डिवाइस, जनरली इट इज प्रेजेंट इन सबमरीन्स. ओके, you will keep in mind sonar. After this, what is the fourth planet in the solar system? What is the fourth planet in our solar system? Mars. Very good. Mercury, Venus, or the fourth planet we have is Mars. The fourth planet on the solar system is Mars. Question number 595. Which plant grows in the desert? So, desert में आपको generally कौन से plants मिलेंगे? Cactus. Another name that we use for the desert condition is xerophytes. Okay. Other name that we have used for the desert conditions is xerophytes. Very good, Srishti. Okay, the right answer is cactus or xerophytes. Brightest planet in the solar system. Which is the brightest planet in the solar system? Venus. Okay, the brightest planet in the solar system is Venus. In addition, Venus is also the hottest planet in the solar system. Okay, in addition to this, Venus is also the hottest planet in the solar system. Next question is, a football team is consist of how many members or how many players? In a football team, how many members or how many players are there? So, right answer is 11. In a football team, there are 11 players. The branch of science that deals with earthquake, the branch of science that deals with the study of earthquake, we call such a branch of science seismology. Okay, then we use the term seismologist. What do we use? We use the term seismologist. Seismologist is used for those people who study earthquakes. So, branch of science dealing with the study of earthquake is seismology, and branch of science that deals with the study of the people who study the earthquake, we call them seismologist. Okay, we call them seismologist. Next is a country without the official capital. Generally, sabhi countries ke capital hai. India has a capital, New Delhi. America has a capital. All the countries have a capital. Nauru is the country that does not have any official capital. Okay, that's called as country is Nauru. What do we call the study of universe? Study of universe ko hum kya kehte hain? The study of universe is called as cosmology. What is the term that we use for study of universe? Study of universe ke liye jo term hum use karte hain, that is called as cosmology. Okay, who is known as the father of Indian space program? Father of Indian space program hum kisko kehte hain? Father of Indian space program hum kehte hain Vikram Sarabhai. Okay, Vikram Sarabhai. Okay, so we have Vikram Sarabhai Space Center as well. Okay, so he was an Indian physicist who worked a lot intensively in the Indian space research. Kuch jinhone ne initiate kiya, theek hai? So we call them as the father of Indian space program. Okay, hum unke liye term use karte hain, father of Indian space program. Next is Mount Abu. Where it is located? Where is Mount Abu located? So Mount Abu is located in the country of India. Okay, after this, okay, Vineet. नेक्स्ट इज ब्रिक्स. ब्रिक्स इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम स्टडी करते हैं. सो व्हाट डज बी स्टैंड इन द ब्रिक्स? ओके, व्हाट डज बी स्टैंड इन द ब्रिक्स? यस, करेक्ट, एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली. ब्राजील. ओके, बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ओके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, China and South Africa. Okay, what does Brazil stand for? Okay, so countries aap pure yaad rakhoge in BRICS. B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, and from S we have South Africa. Okay, where are headquarters of EU? European Union. European Union ke liye aap wo kya use karte ho, abbreviation EU. Where are the headquarters of EU or European Union located? Headquarters are located in Brussels, Belgium. Okay, headquarters are located. Which city is the largest port located in? Which city world's largest port is located? So in Shanghai. Okay, China. World's largest port is located. Okay, world largest port. In which event Neeraj Chopra won a gold medal in Tokyo Olympics 2020? So this was like a big news. Everyone knows this. So athletics, javelin throw,
ठीक है, जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स. ठीक है, द राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स इन द स्पोर्ट्स ऑफ जेवलिन थ्रो. ओके, नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड इंडिया विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था. हु ऑर्गेनाइजेज द क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप इज ऑर्गेनाइज बाय आईसीसी. आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. सो इन द ईयर ऑफ 1983 द फर्स्ट इंडिया वन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप. व्हाई डू वी यूज द रिचर्ड स्केल, रिचर्ड स्केल हम क्यों यूज करते हैं. रिचर्ड स्केल इज अगेन एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक. किससे एसोसिएटेड है, अर्थक्वेक. सो इन ऑर्डर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द रिचर्ड स्केल. इन ऑर्डर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हम क्या यूज करते हैं, वी यूज रिचर्ड स्केल. कोको आइलैंड्स आर एसोसिएटेड और लोकेटेड इन विच सी, तो आप याद रखोगे कोको आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल. रिचर्ड स्केल का जो क्वेश्चन है दैट कैन बी इंपॉर्टेंट. सो दे आर लोकेटेड, कोको आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एंड रिचर्ड स्केल इज एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. नेक्स्ट इज हु रोट द बुक मिड नाइट चिल्ड्रन. ओके, हु रोट द बुक मिड नाइट चिल्ड्रन. So this was a very popular book for of Salman Rushdie. For this book, Salman Rushdie was also awarded with the Booker Award. Okay, so right answer is Salman Rushdie. Midnight Children, Salman Rushdie awarded with the Booker Award. Which is the deepest lake in the world? Which is the deepest lake in the world? So right answer is Lake Baikal. Okay, the deepest lake in the world we have everyone is Lake Baikal. Lake Baikal is the deepest lake we have in the world. Correct. Sundarpal, Lake Baikal is the correct answer. Very good. Next question after this we have is, name the device that provides power to connected devices of a computer during a power outage. So right answer is going to be UPS. Okay? Whenever a power cut is there, aapka computer system connect hota hai. If that is connected to UPS, पावर कट होने के बाद दैट विल नॉट शट डाउन, आपको कुछ टाइम मिलेगा, दैट विल प्रोवाइड एक्सटर्नल पावर सप्लाई. ओके, सो यूपीएस. ठीक है, राइट आंसर इज व्हाट, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, दैट इज यूपीएस. यूआरएल, कोई भी लिंक होती है हम ऑफन टाइम्स उसको कहते हैं यूआरएल. यूआरएल का फॉर्मूला, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, तो आप याद रखोगे राइट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. हु इन्वेंटेड WWW, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर RMS, हु इन्वेंटेड WWW. सो टिम बर्नर्स-ली अलॉन्ग विथ रॉबर्ट कैलेली इन्वेंटेड WWW. राइट आंसर इज टिम बर्नर्स-ली. व्हाट इज द राइट आंसर, टिम बर्नर्स-ली. क्वेश्चन नंबर 615, When did internet came into existence? Okay, when did internet came into existence? So first January 1983 को internet start किया गया था. So you can say January 1st 1983 internet came into existence. Next is which planet in our solar system is called a red planet? Okay, so कुछ ये names हैं जो कुछ planets को दिए गए हैं. So we called Mars as the red planet. Earth's twin Venus, red planet if we are talking about, that means we are talking about Mars. Okay, which planet we are talking about? We are talking about the planet Mars. Next question is, who was the scientist who discovered gravity? Gravity. Senex school ka portion agar aap study kar rahe ho, so there is a chapter called Shape of Earth and Gravitation. Wahan pe hum study karte hain gravity. What is gravity? The gravitational force of the earth is called as gravity. Theek hai? What is gravity? Gravitational force of the earth is called as gravity. Okay, so who discovers gravity? Gravity is discovered by Sir Isaac Newton. किसने gravity को discover किया था? Gravity is discovered by Sir Isaac Newton. Okay, next is whose birthday is celebrated as Engineers Day? India में हम Engineers Day किसके birthday पे celebrate करते हैं? So we will keep in mind that on the birthday of Sir M Visveswarya. ठीक है, Sir M Visveswarya, on the birthday of Sir M Visveswarya we celebrate the Engineers Day. Does anyone know when do we celebrate Engineers Day in India? इंजीनियर्स डे हम इंडिया में कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? नो वन. एनी वन ऑफ यू, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंजीनियर्स डे इन इंडिया? सितंबर 15. एवरीवन नोट इट डाउन. ओके, सितंबर 15.
ओके सितंबर 15 हम इंडिया में क्या सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट द इंजीनियर्स डे. करेक्ट सृष्टि. नेक्स्ट इज बिटवीन विच टू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एस्टेरॉयड बेल्ट एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम. सो एस्टेरॉयड बेल्ट सोलर सिस्टम में किन दो प्लैनेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है? सो इट एग्जिस्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ओके मर्करी वीनस अर्थ मार्स. उसके बाद क्या आएगा? एस्टेरॉयड बेल्ट. फिर क्या आएगा? जुपिटर. ओके सो बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एस्टेरॉयड बेल्ट एग्जिस्ट. ओके आफ्टर दिस वी हैव हु इन्वेंटेड डायनामाइट. डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड डायनामाइट? सो राइट आंसर इज अल्फर्ड नोबल. डायनामाइट किसने इन्वेंट किया? अल्फर्ड नोबल ने डायनामाइट इन्वेंट किया था. ऑन द नेम ऑफ अल्फर्ड नोबल ओनली वी हैव द नोबेल प्राइज. ओके हमारे पास क्या है? वी हैव द नोबेल प्राइज. ओके नोबेल प्राइज एनुअली अवॉर्ड किए जाते हैं द सिक्स डिफरेंट फील्ड्स दैट आर ऑन द नेम ऑफ अल्फर्ड नोबल हु इन्वेंटेड द डायनामाइट. Name the country where Alfred Nobel was born. So Alfred Nobel was Swedish. He was born in Sweden. Okay, where was Alfred Nobel born? Alfred Nobel was born in the country of Sweden. Next after this, who invented airplanes? A very simple question. We have been studying it since class 2nd and 3rd. Wright brothers, Oliver Wright and Wilbur Wright invented airplane. Okay, who invented airplane? Oliver Wright and Wilbur Wright. Wright brothers invented the airplane. Next we have is which galaxy does solar system belong to? Which galaxy the solar system belongs to? तो आप याद रखोगे solar system belongs to Milky Way galaxy. हमारा solar system किस galaxy में है? The solar system is in Milky Way galaxy. Okay? Solar system is in Milky Way galaxy. What is the speed of light in vacuum? Vacuum is a condition जहाँ पे air नहीं होती है, जहाँ पे sound नहीं होता है. What is the speed of light in air vacuum? So it is you will keep in light 300,000 km/s. Can you imagine how fast that is? 300,000 km/s in 1 second. The light travels at the speed of 300,000 km. That's very massive. That's so high that we can't imagine bhi nahi kar sakte ki light kitna travel fast kar rahi hai, theek hai? So 300,000 km/s. Arnav, I'm not taking anyone's name because kal exam hai. So I was thinking ki hum zyada se zyada questions kar paaye, theek hai? Agar koi doubt puchega, so definitely I'll help with that. Okay. Then which gas is commonly found in our universe? Hydrogen. Hydrogen is a very commonly found gas. ठीक है gaseous form में hydrogen H2 के form में exist करता है. So you will know hydrogen. Hydrogen is the right answer here. Smallest continent in the world? Australia. Okay, in terms of area, smallest continent was in the Australia. In terms of area, which is the largest continent in the world? Provide your answers quickly. Which is the largest continent in the world in terms of area? Asia. Very good. Okay, Asia, the largest continent in terms of size. Very good. Next is national game of USA. What is the national game of USA? United States of India. The national game of USA is baseball. ठीक है? What is the national game of USA? हम याद रखेंगे. Baseball. Branch of science that deals with the study of insects. Study of insects को हम क्या कहते हैं? We call it entomology. Study of universe, cosmology. Study of earthquake, seismology. So study of insects, what do we call it? We call it as entomology. ठीक है? Correct. अर्ना entomology. Total distance between sun and earth 149.6 million kilometer या approximately you can say 150 kilometers. Total distance sun और earth के बीच में कितना है? 150 million kilometers और 149.6 million kilometers. Okay. Who is known as Prince of Indian Mathematics? Prince of Indian Mathematics हम किसको कहते हैं? The very famous mathematician we have in India, Sir Srinivas Ramanujan. Okay, Sir Srinivas Ramanujan is called as the Prince of Indian Mathematics. What do we call him? We call him as the Prince of Indian Mathematics. ठीक है? So sound कहाँ पे travel नहीं कर सकता? Sound cannot travel through. Generally अगर आप देखोगे, sound can travel through water. Okay? Sound can travel की अगर हम बात करते हैं, so it can travel through water. Water में अगर हमको sound measure करना है, we have a device for that. Hydrophone. Hydrophone we use to measure sound under water. हम hydrophone क्यों use करते हैं? To measure sound under water. Solids के through भी sound पास होता है. Like if I am doing like this on my table, so आपको sound आएगा, ठीक है? If I'll just put something on the table, if I'll make noise on the solid substance, आपको sound आएगा, because sound solid में sound travel fastest, ठीक है? It travels fastest in the speed of sound is fastest in solid. After that in air, air में भी sound travel करता है. Sound कहाँ travel नहीं करता है? Sound does not travel to vacuum. Sound कहाँ पे travel नहीं करता है? Sound cannot travel through vacuum. So this you have to keep in mind. Water के लिए याद रखिएगा, in order to measure the sound in the water आप क्या use करोगे?
hydrophone. What is the full form of ROM? Okay, once again, a term associated with computer, RAM or ROM. RAM, random access memory. ROM, read only memory. ठीक है, what is ROM? ROM is read only memory and RAM is random access memory. What is RAM? RAM is the random access memory. Repeated question, smallest ocean कहाँ पे है? The smallest ocean of the world is Arctic Ocean. Goiter किसकी deficiency से cause होता है? Goiter is caused by the deficiency of iodine in our body. ठीक है, if in our body there is deficiency of iodine, which disease it will cause? It will cause goiter. Okay, it will cause goiter. The term LBW is related to which sport? LBW. LBW का क्या मतलब होता है? LBW stands for leg below wicket. Okay, LBW stands for leg below wicket. And leg below wicket, the term is associated with cricket. किससे associated है LBW term? The LBW term, leg below wicket, is associated with cricket. In which year Christopher Columbus discovered America? Christopher Columbus ने America को कब discovered किया था? In the year of 1942. Christopher Columbus discovered America. America. Okay, leg before wicket. I said it incorrectly. Leg below wicket नहीं होगा, leg before wicket. Yes. Okay, leg before wicket. Next is the tallest mountain in the world. The tallest mountain in the world is Mount Everest. ठीक है, what is the tallest mountain in the world? The tallest mountain in the world is Mount Everest. कहाँ पे located है? In the Nepal. किस mountain range में located है? Located in Himalayan mountain range. किस mountain range पे located है? Located in the Himalayan mountain range. Himalayan mountain range के बारे में अगर आपको question आता है, one thing you have to very importantly keep in mind, Himalayan mountain range is the tallest and youngest mountain range. Okay, it is the tallest and youngest mountain range. Himalayan mountain range is the tallest and youngest mountain range of the world. ठीक है, so Mount Everest Himalayan mountain range में located है, but on which side? On the other side. It's not in India, it is in Nepal. Okay, and height कितनी है? 8848. और height आप नहीं भी याद रखोगे, that will do the work. इतना आप याद रख सकते हो, this much you have to keep in mind. The famous novel Alice in Wonderland. Who is the author of Alice in Wonderland? Already हमने पढ़ा है, Lewis Carroll. Okay, Alice in Wonderland is a very famous work of Lewis Carroll. Name the ocean in which the famous ship Titanic sank. Titanic किस ocean में sink हुई थी? So North Atlantic Ocean. Okay, Titanic had sunk in which ocean? Titanic had sunk in North Atlantic Ocean. Okay, who is Paulo Coelho? Paulo Coelho is a Brazilian novelist. Okay, और a writer आप कह सकते हो. Who is Paulo Coelho? Paulo Coelho is a writer. इनकी एक बहुत ही famous book है that you must have heard the name Alchemist. Okay, The Alchemist is a very famous book of Paulo Coelho. This you have to keep in mind. Book का name भी याद रखेगा. Alchemist by Paulo Coelho. A figure with six sides. Which figure is six sides? Hexagon, a polygon, a closed figure that has six sides. What do we call it? We call it as hexagon. Okay, we call it hexagon. At what temperature water boils? Water का boiling temperature क्या है? 100 degree Celsius. This is what? Boiling temperature of water. तो हो सकता है question आपको directly ये ना आता है at which temperature water boils. Question आपसे कह सकता है what is the boiling point of temperature. So 100 degree Celsius. अगर question freezing point के बारे में कहता है, ठीक है, अगर question आपसे कहता है what is the freezing point of water, तो आप याद रखोगे 0 degree Celsius. What is the freezing point of water? Water का freezing point है 0 degree Celsius. What is the boiling point? Boiling point is 100 degree Celsius. Name the acid present in lemon. Lemon में कौन सा acid present होता है? Lemon में citric acid present होता है, ठीक है? Which acid is present in lemon? Lemon में citric acid present होता है. That is the very reason why we call lemon as citrus fruit. Okay, citrus fruit हम कहते हैं lemon, oranges, these are all citrus fruit. Why do we call citrus fruit? Because they contain the citric acid. So whenever you eat the lemon, it's sour in taste. वो बहुत खट्टा होता है, ठीक है? It is sour in taste. So sour taste comes due to the presence of citric acid. Sour taste इसके कारण आता है. Sour taste comes due to the presence of the citric acid. Okay? Name the first animal to land on the moon. The first animal to land on the moon. Last class में भी हमने discuss किया था. Was Laika the dog? It was a dog. The name of the dog was Laika. So the first animal to land on the moon was Laika the dog. Okay? The first animal to land on the moon was Laika the dog. Good afternoon, Shyam. Good afternoon.
नेक्स्ट इज नेम द टू ओशियंस इन विच ऑस्ट्रेलिया इज सैंडविच्ड बिटवीन. कौन से टू ओशियंस हैं जिनके बीच में ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट है. सो ऑस्ट्रेलिया इज प्रेजेंट बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन. ऑस्ट्रेलिया इज प्रेजेंट बिटवीन विच टू ओशियंस. बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड बिटवीन द पैसिफिक ओशियन. वट डज ए एम एंड पी एम स्टैंड फॉर. राइट नाउ इट इज 11:26 AM. Half an hour later, it's one and a half hour later, it's going to be 12:30 PM. What is the meaning of AM and PM? AM stands for antemeridium and PM stands for postmeridium. Meridium hai. M-E-R-I-D-I-E-M. What it is? Meridium. M-E-R-I-D-I-E-M. Don't get confused with meridian. Theek hai? I-A-N. Meridian. Time meridian is different. Antemeridium and postmeridium. Okay? Next is, where is Statue of Liberty located? Statue of Liberty is located in the New York City. Statue of Liberty kahan pe located hai? Statue of Liberty is located in the New York City. What are the five layers of atmosphere? Exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere and troposphere. Atmosphere ke five layers ke naam agar aapko aate hain, so you will keep in mind. Exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere and troposphere. These are the five layers of atmosphere. ठीक है. एटमॉस्फेयर के फाइव लेयर्स कौन से हैं? एग्जोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर. ओके, दैट इज द राइट आंसर. व्हिच फॉर दिस नो वन हैज आंसर्ड राइट. फॉर ऑल द क्वेश्चन एवरीवन इज आंसरिंग बट बिकॉज इसका आंसर बहुत लंबा था तो किसी ने आंसर नहीं किया. ओके, नेक्स्ट इज नेम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान की बॉर्डर क्या है? इंडिया एंड पाकिस्तान की बॉर्डर को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन. ठीक है, इंडिया एंड बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड एज रेड क्लिफ लाइन. प्रत्यक्ष वी स्टार्टेड द क्लास एट 10:40. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP. कोई भी वेबसाइट आप देखते हो उसके पीछे व्हेन यू ब्राउज द गूगल वहाँ लिखा होता है. अगर अभी आप सिस्टम पे यूट्यूब यूज कर रहे हो एंड मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर नॉट यूजिंग ऐप आप गूगल से यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप देखोगे लिखा होगा एट द बिगनिंग HTTP. And after that colons only. So what is the meaning of HTTP? HTTP written for Hypertext Transfer Protocol. Okay, HTTP ka full form kya hota hai? HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. So right answer we have for the question is Hypertext Transfer Protocol. What is the coldest planet in our solar system? The coldest planet in our solar system that we have is Neptune. Okay, Neptune. The last planet of solar system is also the कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. सो बहुत ही फेयर रीजन है बिकॉज नेपच्यून लास्ट प्लैनेट में है, इट इज लोकेटेड इन द लास्ट ऑर्बिट, तो वहाँ तक उतनी सन रेज विद दैट इंटेंसिटी नेपच्यून तक नहीं पहुँच पाती, मेकिंग इट द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. बट क्या आपने सोचा है? हैव यू एवर थॉट दैट वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? Yes, provide your answer. Which is the hottest planet in the solar system? Venus. But Venus is the second planet. So why it is hottest? Mercury ko hottest hona chahiye. Mercury should be the hottest. Ye to first planet hai. Isn't it? To aap yaad rakhoge that Mercury is not the hottest planet in the solar system because jo Venus hai, Venus ke surrounding jo gases hain, uska kuch ek condition is like that it trap the heat aur wo heat ko trap karte hain. That further leads to the higher temperature of Venus, making Venus the hottest temperature. Okay, making Venus the hottest temperature. The name of the app, Sarita, is Novel Bell. Okay, the name of the channel is the name of the app. Next question is, which gas is known as laughing gas? Which gas is known as laughing gas? So, nitrous oxide. ये बहुत important question है. Nitrous oxide is called as laughing gas. Okay, we call nitrous oxide as the laughing gas. The largest temple in the world. Which is the largest temple in the world? Good. Angkor Wat. Everyone is providing the answer. That is correct. Largest temple in the world. Everyone we have is the Angkor Wat temple. Okay. Angkor Wat temple. Where is Angkor Wat temple located? It is located in Cambodia. Okay. It is located in Cambodia. Largest temple in the world we have is the Angkor Wat temple located in the Cambodia. One more important thing that comes in mind with Cambodia is the which language has language with most alphabet. Language with most alphabet. Does anyone know which language has most alphabets? No, not Hindi or Urdu.
कम्बोडियन, वेरी गुड ब्रेन. विच लैंग्वेज हैज़ द मोस्ट अल्फाबेट्स? कम्बोडियन. ओके, कम्बोडियन लैंग्वेज हैज़ मोस्ट अल्फाबेट्स. इट हैज़ 74 अल्फाबेट्स. हाउ मेनी अल्फाबेट्स कम्बोडियन हैज़? कम्बोडियन हैज़ अ टोटल ऑफ 74 अल्फाबेट्स. ठीक है, तो ये भी याद रखो कि आप एंड लैंग्वेज विथ लीस्ट अल्फाबेट. लैंग्वेज विथ लीस्ट अल्फाबेट. ओके, लैंग्वेज विथ लीस्ट अल्फाबेट वी हैव इज हवाईयन. Hawaiian just has 12 alphabets. Okay, Hawaiian. Hawaiian is a language. Okay, Hawaiian just has 12 alphabets. Okay, why Venus is the hottest planet, Sarita? Because Venus ka jo surrounding atmosphere hai, that is like that ki wo sun ke jo radiations hai unko absorb kar leta hai, further causing the heating process, jiske karan Venus ka temperature higher. Okay, yes, I know you are Aradhya. Good morning, Aradhya. Next is, which of the following is not a component of chlorophyll? क्लोरोफिल में इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं होता है? सो क्लोरोफिल में आप याद रखोगे मैग्नीशियम. ओके, मैग्नीशियम इज द मेजर कॉम्पोनेंट. ये तो बिल्कुल प्रेजेंट होगा ही. कार्बन, कार्बन इज डेफिनेटली प्रेजेंट. विच इज नॉट, व्हाट इज नॉट प्रेजेंट हियर? कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्लोरोफिल में. ठीक है, क्लोरोफिल में कैल्शियम का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो राइट आंसर वी हैव इज कैल्शियम. ओके, राइट आंसर वी हैव इज कैल्शियम. ओके, आफ्टर दिस chlorophyll causes green color of leaves. Okay, that is due to presence of chlorophyll. Okay, green color of leaves is due to the presence of chlorophyll. Next question is, what is the full form of MBBS? MBBS is a degree of medicine. Okay, MBBS is a degree of study of medicine. What is the full form of it? Full form of MBBS is Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Okay, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. That is the full form of MBBS. Who is the founder of Buddhism? Again, an important question. Siddhartha Gautam, or we called as Gautam Buddha. Okay, Gautam Buddha. Gautam Buddha is the founder of Buddhism. Okay, Gautam Buddha is the founder of Buddhism. What is the capital of Italy? The capital of Italy is Rome. Italy ka capital kya hai? The capital of Italy is Rome. When do we celebrate UN Day? October 24. A very important question. When do we celebrate UN Day? Or isi ko hum kya kehte hain? United Nations Day. UN Day or United Nations Day. Hum kab celebrate karte hain? We celebrate on October 24. On October 24 only United Nations was established. So on October 24 we celebrate the UN Day. Okay? We celebrate on the UN Day. Okay? Next question after this we have is, question number 659, who was the last Governor General of British India? Okay, previous year question of 2019, RMS. Who was the last Governor General of British India? The last Governor General of British India was Lord William Bentinck. Okay, who was the last Governor General of British India? Last Governor General of British India was Lord William Bentinck. Okay, I'm going very fast. Okay, I should read it slowly. Okay, brave. I didn't realize that. Okay. The last Governor General of British India, कौन थे? Last Governor General of British India, आप याद रखोगे? Lord William Bentinck. Energy is stored in the cell in the form of, यहाँ पे हम किस cell की बात कर रहे हैं? Living cell. Okay. Cells of body, cells present inside the plants, हमारी body का the simplest unit of life. Okay, cell. Living cell. और जिसको हम कहते हैं unit of life. What do we call cell? We call cell as the unit of life. तो इस cell की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? About this cell we are talking cell. Okay? So energy in the cell is stored in the form of ATP. Okay? It is stored in the form of ATP. ATP का full form क्या होता है? ATP stands for adenosine triphosphate. Okay? It stands for adenosine triphosphate. Phosphate. So right answer for the question we have is ATP, adenosine triphosphate. Next is, where is National Library of India located? National Library of India कहाँ पे located है? तो keep in mind it is located in Kolkata. Okay, National Library of India. National Library of India, everyone, is located in Kolkata.
वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, द फर्स्ट कंट्री हु होस्टेड द फर्स्ट कंट्री और द कंट्री वेयर ओलंपिक्स वर स्टार्टेड, सो ग्रीस. ओके आंसर इज एथेंस, ग्रीस. द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स वॉज एथेंस, ग्रीस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, विथ विच इंस्ट्रूमेंट अमजद अली खान इज रिलेटेड. सो अमजद अली खान इज रिलेटेड विथ सरोद, किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है अमजद अली खान, अमजद अली खान इज रिलेटेड विथ सरोद. ओके नेक्स्ट इज वेन वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड. अब यहाँ पे देखिए वेल्थ इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी हैव, द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी हैव इज adopted. Okay, what is the most important term we have adopted? So there are two terms, one is adopted and one is implemented. Okay, adopted and implemented. Adopt karna matlab kab humne constitution of india ko, I'm not getting the hindi word for adopt, constitution of india ko kab adopt kiya gaya tha. Implement karne ka matlab hota hai lagu karna. So it was adopted on 26th November 1949. When was it adopted? It was adopted on 26th November 1949. Implemented की हम बात करते हैं तो 26th of January 1950. Adoption की बात करेंगे तो 26th November 1945. तो अगर question adopted के लिए आता है, the right answer is 26th November 1949 and implemented on 26th January 1950. Okay. Next is फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज श्री श्याम सॉल्यूशंस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द फुल फॉर्म? फुल फॉर्म इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज विच सिटी है, इन विच सिटी द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड, किस सिटी में फेमस सन टेम्पल लोकेटेड है? सो सन टेम्पल इज लोकेटेड इन कोणार्क. ओके कोणार्क सन टेम्पल ही हम कहते हैं, कोणार्क सन टेम्पल. नेक्स्ट इज वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? फुल फॉर्म ऑफ ATM इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन. टेलर का मतलब क्या होता है? टेलर इज समवन इन द बैंक हु डज ऑल द ट्रांजैक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं? टेलर. वी कॉल दैट पर्सन टेलर. बट सिंस आवर ATM मशीन इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली, इसलिए हम कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. द राइट आंसर इज ऑप्शन, नो ऑप्शन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. Where is Rajiv Gandhi International Airport situated? Rajiv Gandhi International Airport is situated in Hyderabad. Okay, where it is situated? It is situated in Hyderabad. Okay, Rajiv Gandhi International Airport. Next is for how many days Battle of Kurukshetra was fought? Battle of Kurukshetra कितने दिन चली थी? ठीक है, so हम महाभारत में देखते हैं about Battle of Kurukshetra and it was fought for 18 days. Okay, it continued, it fought for 18 days. Next is which city is called as Manchester of India? Next question is which city is called as Manchester of India? So basically Manchester across the world is a famous city जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? जहाँ पे very famous textile market. Okay, what is there? There is a very famous textile market. And since in India a lot of textile market is there in Ahmedabad, so we call Ahmedabad as the Manchester of India. हम क्या कहते हैं अहमदाबाद को? We call Ahmedabad as Manchester of India. Next is Duti Chand is associated with which sport? So Duti Chand is associated with athletics. Duti Chand is associated with which sport? आप याद रखोगे Duti Chand athletics से associated है. किस sport से associated है Duti Chand? किस sport से associated है? That sports is athletics. Okay. Next question after this we have is question number 670. What are the main constituents of biogas? What are the main constituents of biogas? Biogas को ही हम कहते हैं गोबर गैस. ठीक है, because it is mainly made up of cow dung, that's why we call it as गोबर गैस. The main constituent is methane. ठीक है, the main constituent is methane and carbon dioxide. Chemical formula of methane CH4, chemical formula of carbon dioxide CO2. Manchester Ustad. Okay, Manchester is actually a place जहाँ पर बहुत ज़्यादा textile market है. Okay, so it's a place. Next we have is which strait separates Europe and Africa? Which strait separates the Europe and Africa? तो Europe और Africa को कौन सा strait separates करता है? Europe and Africa को Strait of Gibraltar. Okay, Strait of Gibraltar separates the Europe and Africa. NATO का full form है none of the above. NOTA का full form होता है none of the above. After this we have who wrote down the epic Mahabharat when Vyas was narrating it? This is 2019 RMS GK paper. Who wrote down Mahabharat when Vyas was narrating it?
सो लॉर्ड गणेशा, ओके लॉर्ड गणेशा रोट डाउन द महाभारत व्हेन व्यास वाज नरेटिंग इट. नेक्स्ट इज विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. सो द राइट आंसर एज यू कैन सी हियर इट इज अटलांटिक ओशियन. ओके इट इज अटलांटिक ओशियन. नेक्स्ट इज विच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम इन द वर्ल्ड. विच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम इन द वर्ल्ड. तो ग्रैंड स्लैम की हम बात करते हैं सो इट शुड कम इन टू योर माइंड इट वी आर टॉकिंग अबाउट विद स्पोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टेनिस. सो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम इन द वर्ल्ड वी हैव इज विंबलडन. ओके ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम वर्ल्ड में कौन सा है. द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम इन द वर्ल्ड दैट वी हैव इज एवरीवन विंबलडन. नेक्स्ट इज मीजल्स इज कॉज्ड बाय विच डिजीज. मीजल्स इज कॉज्ड बाय वायरस. मीजल्स किस डिजीज के कारण कॉज होता है. मीजल्स इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरस. तो हम ये भी कह सकते हैं मीजल्स इज अ वायरल डिजीज. व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज मीजल्स. मीजल्स इज अ वायरल डिजीज. आफ्टर दिस स्टेनलेस स्टील. व्हाट इज स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय. ठीक है अलॉय क्या होता है. जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को कंबाइन करके हम एक अनादर मेटल बनाते हैं. नॉट द मेटल अलॉय ही हम उसको कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अलॉय. ओके हु मेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक. द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये भी आपका पूरा 2019 पेपर ही हम सॉल्व कर रहे हैं. सो हु मेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक. द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. व्हाट वॉज द नेम ऑफ दिस एंटीबायोटिक. दिस एंटीबायोटिक वॉज कॉल्ड पेनिसिलिन. ओके पेनिसिलिन. This you have to keep in mind. Penicillin was the first antibiotic. Next is where is Central Rice Research Station located. Central Rice Research Station कहाँ located है. So right answer is Cuttack, Odisha. Okay, Central Rice Research Station where it is located in Cuttack, Odisha. Who among the following wrote the Sanskrit grammar. Sanskrit grammar किसने लिखी थी. Panini. Panini wrote the Sanskrit grammar. This question again we have discussed. The hottest planet of the solar system. Venus is the hottest planet of the solar system. Solar system का hottest planet कौन सा है. Venus is the hottest planet of the solar system. The longest serving prime minister of India. The longest serving prime minister of India is Jawaharlal Nehru. जिन्होंने more than 16 years serve किया. ठीक है longest serving prime minister of India was Jawaharlal Nehru. He was also the first prime minister of India. He was also the first prime minister of India. How many states does India have right now. Right now India has 28 states with 8 UTs. Okay, so there are 8 states in India and a total of 8 union territories. ये किसने discover किया था that bacteria causes disease. This entire theory that bacteria is responsible for the causation of disease. Who discovered this theory or who proposed this theory? So you will keep in mind Louis Pasteur. Okay, Louis Pasteur proposed this theory that bacteria causes disease. ये किसने discover किया था. This was discovered by Louis Pasteur. When we talk about Louis Pasteur, so one thing that should come into your mind is Louis Pasteur is called as father of pasteurization. Louis Pasteur को हम क्या कहते हैं. Louis Pasteur को हम कहते हैं father of pasteurization. There are 750 questions. Louis Pasteur को हम कहते हैं father of pasteurization. Okay, what is the meaning of pasteurization? Pasteurization is a process of milk preservation. Who is spamming? Ishu is spamming. Okay. Process of milk preservation. You have a doubt, Ishu? Let me take that. Okay. Pasteurization is a method of milk preservation. इसमें हम मिल्क को क्या करते हैं. We boil the milk at 70 degree Celsius and that stops the growth of microorganisms. किसकी growth stop कर देता है. That stops the growth of the microorganisms. तो इससे क्या होता है. इससे जो हमारे microorganisms हैं ठीक है. इससे जो हमारे microorganisms हैं that does not get spoiled. Okay. That does not get spoiled. Okay. Good everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लुईस पास्टर के लिए आप याद रखोगे फादर ऑफ पास्टराइजेशन. व्हाट इज द एरिया कोड ऑफ इंडिया. एरिया कोड ऑफ इंडिया इज +91. कोई भी इंडिया का नंबर होता है सेलफोन नंबर उसके पहले वो ऑब्जर्व करोगे दैट इज ऑलवेज ऑटोमेटिकली रिटन +91. हम ऐड नहीं करते इट गेट्स ऑटोमेटिकली रिटन. सो +91 इज द एरिया कोड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया. द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज कॉल्ड एज राज्यसभा. द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज कॉल्ड एज
राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड एज लोकसभा. ओके, लोअर हाउस इज कॉल्ड एज लोकसभा. अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस वी हैव इज लोकसभा. ठीक है, राज्यसभा, इन राज्यसभा वी हैव चेयरमैन और चेयरपर्सन, एंड चेयरपर्सन इज यूजुअली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट्स ऑलवेज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं दे आर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. एंड करेंटली हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जगदीप दीपांकर. ठीक है, जगदीप धानकर, सॉरी. ओके, जगदीप धानकर. एंड इन केस ऑफ लोकसभा वी हैव अ स्पीकर. ओके, लोकसभा हैज अ स्पीकर. हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा राइट नाउ? राइट नाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज श्री ओम बिरला. ओके, इट इज श्री ओम बिरला. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फीफा वर्ल्ड कप 2022, वेयर इट इज बीइंग हेल्ड? इट इज बीइंग हेल्ड इट कतर. ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज हेल्ड एट कतर. ओके, नेक्स्ट इज नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च. चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा. वॉट इज देयर इन श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर. ओके, वॉट इज देयर इन श्रीहरिकोटा? इन श्रीहरिकोटा देयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से यूजुअली चंद्रयान एंड अदर रॉकेट्स एंड मिसाइल्स लॉन्च टेक्स प्लेस. तो श्रीहरिकोटा. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मटिल्डा? मटिल्डा इज अ वेरी फेमस बुक दैट वॉज रिटर्न बाय रोनाल्ड डेल. ट्वाइस द बुक हैज बीन अडेप्टेड इन टू मूवीज ऑल्सो. सो मटिल्डा के लिए आप याद रखोगे रोनाल्ड डेल. वट इज द टाइटल ऑफ सेवंथ एंड फाइनल बुक ऑफ हैरी पॉटर सीरीज? सो सेवंथ एंड फाइनल बुक ऑफ हैरी पॉटर सीरीज इज हैरी पॉटर डेथली हॉलोज. ठीक है, सो देर आर हैरी पॉटर, जेके रॉलिंग, सेवन बुक्स. ओके, हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज. नेक्स्ट इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. ठीक है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ. तो यहाँ से आप देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग. अगर क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ, तो आप याद रखोगे वी कॉल्ड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एज द लंग ऑफ अर्थ. वाई डू वी कॉल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एज द लंग्स ऑफ अर्थ? बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन वो जो है दैट इज टेकन केयर बाय द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. दैट्स वाई वी कॉल देम द लंग्स ऑफ अर्थ. तो रिसेंटली तो नहीं कहेंगे हम, बिकॉज दैट वॉज द क्वेश्चन ऑफ 2019. सो एट दैट टाइम द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वर अंडर फायर. सो मेजर पोर्शन ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट लाइज इन विच कंट्री? इट लाइज इन ब्राजील. ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट द लंग्स ऑफ अर्थ लाइज इन विच कंट्री? इट लाइज इन ब्राजील. वेयर आर हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI. हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर इन RBI महाराष्ट्र. ओके, मुंबई महाराष्ट्र. हु इज द गवर्नर ऑफ RBI? करेंटली द गवर्नर ऑफ RBI इज शशिकांता दास. ओके, द गवर्नर ऑफ RBI इज शशिकांता दास. नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन शटलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड चैंपियनशिप. सो PV सिंधु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन शटलर who won the gold medal at world championship. What is Ishu is asking? Ishu, who is the shine of India, shine of Asia, shine of Asia? I'll have to study this, Ishu. Okay, I mean very frankly, I'll have to study this. Who is the shine of Asia? आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना, वहाँ पे मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगी. और आई स्टडी अबाउट दिस और कम्युनिटी टैब में आई विल प्रोवाइड आंसर. ठीक है, यस आई डिड दैट. ओके रेयान, ओके, आप देखो नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इशू देयर आई हेल्प यू, अदरवाइज मैं एक पोल क्रिएट करके कम्युनिटी टैब में आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी. नेक्स्ट इज विच ट्रेन रन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा? द ट्रेन दैट रन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा दैट इज कॉल्ड एज समझौता एक्सप्रेस. ओके, द नेम ऑफ द ट्रेन दैट रन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा इज कॉल्ड एज समझौता एक्सप्रेस. ओके, नेक्स्ट इज ब्लड फेल्स टू क्लॉट फ्लोइंग वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड.
vessels due to presence of so हमारे blood vessels में the blood is flowing. Now that blood fails to clot, वो clot नहीं होता है. Clot का मतलब हिंदी में अगर हम exactly clot को transfer करते हैं, translate करते हैं, so that translates to थक्का. तो अगर आपका blood आप देखोगे body से बाहर कहीं drop fall होता है, so very quickly that will get clot. Okay, but inside of the blood vessels it doesn't get clots due to the presence of heparin. What else? Due to the presence of heparin. We call heparin as anticoagulant. Heparin को हम क्या कहते हैं? We call it as anticoagulant. Okay, so right answer is heparin. The largest delta in the world. The largest delta in the world, Sundarban Delta. Which is the largest delta in the world? The largest delta in the world we have is Sundarban Delta. Next we have is Vidal test. Okay, Vidal test हम क्यों use करते हैं? Vidal test is used for the diagnosis of typhoid. Okay, Vidal test is used for the diagnosis of typhoid. तो अगर typhoid के बारे में आपको पता होगा, so very long back जो typhoid discovered हुआ था, at that time there was a cook. Okay, her name was Mary, and she used to cook in. This is a true story, and she used to cook in several houses. Okay, and she was suffering from typhoid. और उनको नहीं पता था that she is suffering from typhoid. Typhoid is by the way an infectious disease. Now, what happened is वो जितने घरों में कुक करने जाती थी everywhere unknowingly she spread the typhoid. Okay? So later on her name changed to typhoid Mary. ठीक है? And after that जो typhoid के बारे में लोगों को पता चला a little awareness spread हुई and the test जो हम उसके diagnosis के लिए use करते हैं that is called as Vidal test. So typhoid, the test used for the diagnosis of typhoid is called as Vidal test. Which of the following is tallest building in the world? The tallest building in the world is yes, green. It's Roald Dahl. Correct. Okay, Burj Khalifa. Okay, the tallest building in the world, everyone that we have is Burj Khalifa. Burj Khalifa is the tallest building in the world. Which fruit has maximum protein content? So guava. ठीक है, guava is one of the fruits जिसमें क्या होता है maximum protein content होता है. Okay, okay, Namli. Guava is the fruit that has the maximum protein content. Okay, Aditi. Why do we use pathometer? Pathometer is used to measure the depth of ocean. ठीक है? हम pathometer क्यों use कर रहे हैं? Pathometer we are using everyone to measure the depth of ocean. Next is, in which city Firoz Shah Kotla cricket stadium is located? So Firoz Shah Kotla, New Delhi. Firoz Shah Kotla stadium कहाँ पे located है? Firoz Shah Kotla stadium is located in New Delhi. The right answer for the question we have is everyone New Delhi. गॉड इंद्र का जो व्हीकल था ओके उनका जो वाहन था उसको नाम क्या था गॉड इंद्र के जो वाहन का नाम था दैट इज एरावत ओके व्हाट वाज द नेम ऑफ द गॉड इंद्रस व्हीकल वाज एरावत ओके यस हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोदान गोदान इज अ वेरी फेमस नॉवल और द बुक दैट इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद गोदान किसका प्रसिद्ध कार्य है गोदान श्री मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही फेमस वर्क है राइट आंसर इज गोदान Next is World Trade Organization's के headquarter कहाँ located है? Where are the headquarters of World Trade Organization's located? तो आप याद रखोगे Geneva में World Trade Organization के headquarters located हैं, ठीक है? In Geneva, the headquarters of World Trade Organization, जिसको हम WTO भी कहते हैं, the headquarters are located. Next is the brain fever that affects the young children. We call that encephalitis. Okay? The brain fever that affects the young children. What do we call? So this is actually a previous year paper of 2018. Okay, so it's basically called inflammation or infection of brain. Encephalitis is a brain fever that affects the young children. Highest mountain peak of Himalayas in India. Okay, aagya question. Highest mountain peak of Himalaya kya hai? Mount Everest hai. But where is Mount Everest? Mount Everest is in Nepal. So highest mountain peak of Himalayas in India, ye kya hai? That is Kanchenjunga. ठीक है कांचनजंगा करेक्ट ओके आफ्टर दिस स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इट इज गोवा मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए व्हाट इज द मिनिमम एज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा द मिनिमम एज इज 30 इयर्स अ पर्सन शुड बी ऑफ 32 इयर्स इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा Who is the composer of our national anthem? National anthem is composed by Rabindranath Tagore. In addition to this, Rabindranath Tagore also composed the national anthem of Bangladesh. Bangladesh ka national anthem isme composed kiya tha? Bangladesh national anthem is also composed by Shri Rabindranath Tagore. Next is Satyameva Jayate. The word Satyameva Jayate, the national motto that is written on the state emblem, ye humne kahan se liya hai? That has been taken from Upanishads. Ye humne kahan se liya hai?
इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द उपनिषद्स. ओके आफ्टर दिस. ओके सो विद दिस 715 क्वेश्चंस वी हैड, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अभी तक आई थिंक हमने 550 क्वेश्चंस 51 से स्टार्ट किया था. 650 यस वी डिड लाइक सम ऑल अराउंड नियर अराउंड 200 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने सॉल्व कर लिए. ठीक है सो देयर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको बहुत ही ब्रीफली और क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे. दे आर कॉल्ड एज द ज्योग्राफिकल सरनेम्स. ठीक है ये कुछ जीके के पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. सो वी हैव दिस ज्योग्राफिकल सरनेम्स. सो विच सिटी इज कॉल्ड एज व्हाट डू बंगाल सौरव. बंगाल सौरव हम किसको कहते हैं. दामोदर रिवर इज कॉल्ड एज द बंगाल सौरव. देन यस करेक्ट 185 श्रेष्ठ बंगाल सौरव. सिटी ऑफ पैलेसेस कोलकाता. वी कॉल कोलकाता एज द सिटी ऑफ पैलेसेस. पिंक सिटी हम किसको कहते हैं. जयपुर को हम कहते हैं पिंक सिटी. जयपुर इज कॉल्ड एज पिंक सिटी. पैरिस ऑफ इंडिया जयपुर. ठीक है द टर्म पैरिस ऑफ इंडिया वी यूज फॉर जयपुर. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं. अहमदाबाद. ही क्वेश्चन आ चुका है पी वाई क्यू ज्योग्राफिकल सरनेम्स. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वी कॉल टू अहमदाबाद. कश्मीर ऑफ साउथ किसे कहते हैं. कश्मीर ऑफ साउथ इज कॉल्ड एज केरला. ठीक है कश्मीर ऑफ साउथ केरला. क्वीन ऑफ सी. इफ इट कम्स क्वीन ऑफ सी द आंसर इज लक्षद्वीप. नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ माउंटेन्स. क्वीन ऑफ माउंटेन्स हम किसको कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मसूरी. ठीक है मसूरी इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ माउंटेन्स. आयरन सिटी जमशेदपुर. ठीक है व्हाट डू वी कॉल आयरन सिटी. आयरन सिटी जमशेदपुर को हम कहते हैं आयरन सिटी. विच सिटी इज कॉल्ड एज हॉलीवुड ऑफ इंडिया. सो मुंबई एवरी वन यू विल कीप इन माइंड. मुंबई इज कॉल्ड एज हॉलीवुड ऑफ इंडिया. सिटी ऑफ नवाब्स हम किसको कहते हैं. लखनऊ. लखनऊ इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ नवाब्स. ठीक है लखनऊ को हम कहते हैं सिटी ऑफ नवाब्स. सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स. टेम्पल्स एंड घाट्स. सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स हम कहते हैं वाराणसी को. वाराणसी हैज लॉट्स ऑफ टेम्पल्स लॉट्स ऑफ घाट्स. वाराणसी को हम कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स. लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. पंजाब स्टेट से फाइव रिवर्स पास होते हैं. ओके पंजाब इज अ स्टेट जहाँ से फाइव रिवर्स पास होते हैं. मेकिंग इट गिविंग इट अ ज्योग्राफिकल टाइटल ऑफ सरनेम ऑफ लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. ओके वी कॉल इट एज लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब. नेक्स्ट इज सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल. ओके सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर. सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल हम किसको कहते हैं. अमृतसर. वाई वी कॉल गोल्डन टेम्पल एज सिटी ऑफ अमृतसर. सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल हम अमृतसर को क्यों कहते हैं. बिकॉज अमृतसर में गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है. ओके नेक्स्ट इज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला. केरला में मेजर प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेज होता है. ओके दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ मेजर परसेंटेज इन द वर्ल्ड एंड इवन इन द इंडिया. सो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया हम कहते हैं केरला को. वट डू वी कॉल द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया. स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया हम कहते हैं केरला को. ट्विन सिटीज. किन टू सिटीज़ को हम ट्विन सिटीज़ का टाइटल देते हैं. हैदराबाद एंड सिकंदराबाद. हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को हमने टाइटल दिया हुआ है ट्विन सिटीज़ का. ठीक है आफ्टर दिस स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट हम किसको कहते हैं. कश्मीर. ठीक है कश्मीर इज कॉल्ड एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. राइस बॉल ऑफ इंडिया हम छत्तीसगढ़ कहते हैं. बट इन एडिशन अगर आपको ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं दिखता है तो आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश को भी हम राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भी राइस का बहुत प्रोडक्शन होता है. सो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश द राइस बाउल ऑफ इंडिया. ओके नेक्स्ट आफ्टर दिस इज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया. विच स्टेट इज रेफर टू एज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया. हिमाचल प्रदेश इज रेफर टू एज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया. सिटी ऑफ ब्रिजेस किसको कहते हैं. श्रीनगर. श्रीनगर इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ ब्रिजेस. रेसिडेंस ऑफ गॉड प्रयागराज. रेसिडेंस ऑफ गॉड हम किसे कहते हैं. रेसिडेंस ऑफ गॉड हम कहते हैं प्रयागराज को. एंड नेक्स्ट इज सौरव ऑफ बिहार. सौरव ऑफ बिहार इज कोसी रिवर. ओके सौरव ऑफ बिहार इज कोसी रिवर. ओके सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हो. लाइक NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और NIO इज लोकेटेड इन पणजी गोवा. ठीक है NIO कहाँ लोकेटेड है. NIO इज लोकेटेड इन पणजी गोवा. नेशनल साइंस सेंटर. नेशनल साइंस सेंटर कहाँ पे. नेशनल साइंस सेंटर इज इन न्यू दिल्ली. वेयर इज नेशनल साइंस सेंटर. इट इज इन न्यू दिल्ली. सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है. इट इज इन गुजरात. वेयर इट इज लोकेटेड. इट इज लोकेटेड इन गुजरात. CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ड्रग्स के ऊपर मेडिसिन के ऊपर रिसर्च किया जाता है. एंड CDRI इज लोकेटेड इन लखनऊ. CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड इन लखनऊ. नेक्स्ट इज सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट. सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है. सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन चेन्नई. ओके वेयर इट इज लोकेटेड. इट इज लोकेटेड इन चेन्नई. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द PDF रितेश.
नेक्स्ट इज बी ए आर सी, बी ए आर सी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई। हेडक्वार्टर्स भी आ सकता है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ बी ए आर सी? सो हेडक्वार्टर्स ऑफ बी ए आर सी आर इन मुंबई महाराष्ट्र, द राइट आंसर इज मुंबई। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन कटक ओडिशा। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन कटक ओडिशा। नेक्स्ट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम केरला। विक्रम साराभाई फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, ओके, उनके नेम पे ही इंस्टीट्यूट है, तिरुवनंतपुरम केरला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नेक्स्ट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन बैंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। वेर आर हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड? बैंगलुरु कर्नाटका। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आई ए आर आई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आई ए आर आई के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पूसा न्यू दिल्ली। आप क्या याद रखोगे? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज आर आई एम सी, ये तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, कहाँ लोकेटेड है? आर आई एम सी, आर आई एम सी देहरादून, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, आर आई एम सी देहरादून, वेरी गुड सृष्टि। नेक्स्ट इज एन डी ए, नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी एन डी ए कहाँ पे लोकेटेड है? एन डी ए इज लोकेटेड इन पुणे, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पे है? इट इज इन पुणे। नेक्स्ट इज आई एम ए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वेर इज आई एम ए लोकेटेड? आई एम ए इज इन देहरादून, इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पे है? इट इज इन देहरादून। नेशनल डिफेंस कॉलेज एन डी सी, ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज वेर इट इज लोकेटेड? इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, नेशनल डिफेंस कॉलेज इट इज देयर इन न्यू दिल्ली। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ पर है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इज इन चेन्नई, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज सी एम एम, कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट कहाँ लोकेटेड है? दैट इज इन जबलपुर मध्य प्रदेश। सो कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट सी एम एम जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। टू टाइम्स इसके लिए क्वेश्चन आया है, एक बार क्वेश्चन था कि चंद्रयान टू कहाँ से लॉन्च हुआ, एंड वन टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन था वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फ्यू क्विक पॉइंट्स हैं, हु डू वी कॉल द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम कहते हैं एवरीवन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हमने टाइटल दिया हुआ है और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था सो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अलॉन्ग विद दैट ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कैसा स्टेट डिक्लेयर किया गया है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज सेक्युलर स्टेट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं सो देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सिक्स फंडामेंटल, ओके, देर इज सिक्स फंडामेंटल राइट्स। नाउ नो वन इज द चेयरमैन, क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, ठीक है, वेरी नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, सो नाउ वी डू नॉट नो लॉन्गर नीड द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, ओके। What are these six fundamental rights? The six fundamental rights are right to equality, right to freedom of religion, cultural and educational rights, rights against exploitation, and right to constitutional remedy. So six fundamental rights are there. Every citizen has these six fundamental rights. आपके भी ये six fundamental rights हैं, मेरे भी ये six fundamental rights हैं. Each and every citizen of the country, apart from its gender, religion, age, has these six fundamental rights. नेक्स्ट वी हैव इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन आता है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो आप याद रखोगे द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन है? द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले सिटीजन कौन है? ऑलवेज राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। इनका ऑफिस टेन्योर कितना होगा? ही होल्ड्स द ऑफिस टेन्योर फॉर 5 years, ठीक है। इनका ऑफिस टेन्योर कितना होता है? ही होल्ड्स द ऑफिस टेन्योर फॉर 5 years। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज राष्ट्रपति भवन, ठीक है, दैट इज राष्ट्रपति भवन। ऑफिशियल रेसिडेंस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है दैट इज राष्ट्रपति भवन, इसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट हाउस,
ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज प्रेसिडेंट हाउस. यस, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज श्रीमती प्रतिभा पाटिल. ओके, एंड हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. क्वेश्चन अगर ये भी इंपॉर्टेंट है, वट डू वी कॉल द गार्डन्स ऑफ राष्ट्रपति भवन? द गार्डन्स ऑफ राष्ट्रपति भवन आर कॉल्ड एज मुगल गार्डन्स, या इन्हीं को हम कहते हैं मुगल बाग. ठीक है, मुगल गार्डन्स और मुगल बाग. देन राजपथ मार्ग, वट इज द न्यू नेम ऑफ राजपथ मार्ग? द न्यू नेम ऑफ राजपथ मार्ग इज कर्तव्य पथ मार्ग. ठीक है, वट इज द न्यू नेम ऑफ राजपथ मार्ग? न्यू नेम ऑफ राजपथ मार्ग इज कर्तव्य पथ मार्ग. देन वी हैव अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट. हु इज वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप दीपांकर. ओके, जगदीप या इनकरेक्टली लिखा है, इट्स धानकर, नॉट दीपांकर, इट्स जगदीप धानकर. ओके, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट. प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? लोकसभा में, पार्लियामेंट में ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू. हु वॉज द करंट प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र मोदी. वट इज द ऑफिस टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? द ऑफिस टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ 5 years. And also Shri Jawaharlal Nehru is the longest serving president, prime minister, sorry, the longest serving prime minister of India. ये आपको याद रखना है. ठीक है, next is, okay, ये point दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमने already discuss कर लिया. राज्यसभा, ये question आ चुका है. What do we call the upper house of parliament in India? Upper house of parliament in India is called as राज्यसभा. इसी को हम council of states भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज लोकसभा. लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ऑफिस टेन्योर ऑफ लोकसभा इज ऑफ 5 years. ठीक है, करेंटली देर आर 552 मेंबर्स इन द लोकसभा. लोकसभा इलेक्शंस आर दे आर हेल्ड इन एवरी 5 years. लोकसभा इलेक्शंस कितने ईयर्स में होते हैं? लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 5 years. हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? श्री जी वी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा. Who is the current speaker of the Lok Sabha? Current speaker of the Lok Sabha is Shri Om Birla. ठीक है, first female speaker of the Lok Sabha, Meera Kumar. Meera Kumar is the first female speaker of the Lok Sabha. Which state has maximum Lok Sabha seats? तो आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश is maximum Lok Sabha constituency. सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट होता है चीफ जस्टिस से, एंड अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस देर आर 33 मोर जजेस. कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस और जजेस को? सो जजेस एज वेल एज चीफ जस्टिस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनको कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज श्री एच जे कानिया. एच जे कानिया इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे. करेंटली हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज धनंजय वाई चंद्राचूर. ठीक है, धनंजय वाई चंद्राचूर इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट सॉरी, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के 15th चीफ जस्टिस होंगे. ठीक है, इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल. द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी कॉल देम एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट. हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल? एम सी स्टेलमेट. करेंटली द अटॉर्नी जनरल इज आर वेंकटरमन. ओके, देन हर स्टेट के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, हु अपॉइंट्स देम? दे आर वंस अगेन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट्स. हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में 25 हाईकोर्ट्स हैं. द ओल्डेस्ट हाईकोर्ट इज इन कोलकाता. ओके, इतनी जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं ये आप याद रख सकते हो फॉर योर RMS एग्जाम. ओके, सो नाउ इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स यू कैन आस्क एंड वी विल वर्क ऑन दैट. किसी को कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो. नो डाउट्स टू एनीवन. ओके, कोलकाता, यस, कोलकाता हाईकोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाईकोर्ट एवरीवन. यस, यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क.
फॉर सैनिक स्कूल पर्सपेक्टिव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट येस यू कैन स्टडी. ओके यस अन्वेषा, यू कैन आस्क योर डाउट्स. यू विल टेक द डाउट्स नाउ. किसी को भी कहीं पे डाउट्स हैं सो वी कैन टेक द डाउट्स. जिनको डाउट्स नहीं है ऑल द यस गॉड सेव द क्वीन वॉज द नेशनल एंथम ऑफ यू के विल, बट नाउ बिकॉज इंस्टेड ऑफ दैट बिकॉज द क्वीन पास्ड अवे नाउ इट इज गॉड सेव द किंग. ओके नो टुडे इसके बाद कोई अंदर लाइव नहीं होगा. रेयान माई नेम इज ईशू अक्षता. ओके माई नेम इज अक्षता. हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट. ओके सृष्टि फीफा इज अ फुटबॉल एसोसिएशन विच कंडक्ट्स द फुटबॉल वर्ल्ड कप्स. ठीक है दैट कंडक्ट्स द फुटबॉल वर्ल्ड कप्स अन्वेषा. मैनचेस्टर इज अ प्लेस उस्तक. ठीक है इट्स अ प्लेस. यू हैव मैसेज मी आई हैव अ लुक इशू. ओके आई हैव अ लुक. आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस PDF रितेश. ठीक है टुडे इवनिंग क्लास यस श्रेष्ठ. यस नाउ वी विल एंड द क्लास. ओके सो नाउ वी विल एवरीवन एंड दिस क्लास. यू विल बी समिंग अप द क्लास. नेक्स्ट क्लास वी विल हैव इज टुमारो. Okay, where we will be discussing the RMS paper. So everyone, all the very best first of all for everyone's RMS exam. And after this, okay, all the very best everyone for your RMS exam that is tomorrow. So very best, बहुत अच्छे से exam दीजिएगा. बहुत अच्छे से आप सभी ने पढ़ा है तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से करके आएंगे. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. All the very best everyone. बहुत ही अच्छे से cheerfully exam दीजिएगा. कॉन्शियसली एग्जाम दीजिएगा और बहुत अच्छे से अपना स्कोर कीजिएगा. एंड ऑल ऑफ यू आई होप यू विल गेट सेलेक्टेड इन RMS. ओके सो नाउ एवरीवन वी विल बी समिंग अप द क्लास. बाय एवरीवन. वी विल मीट अगेन टुमारो विद द पेपर सॉल्यूशन ऑफ RMS. एंड इसके साथ ही आप लोगों से भी डिस्कस करेंगे कि कैसा हुआ आप सभी का पेपर. ठीक है सो वी विल डू दिस. सो बाय एवरीवन. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टुमारो.